दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपके दोस्तों ने आपको मैसेज किया हो डोंट टच हियर, यहाँ पे टच करने से आपका फोन हैंग हो जाता है और आपका फोन हैंग हो जाता था और आपका जो व्हाट्सएप क्रैश हो जाता था? तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं ये क्यों होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनी, आप देख टेक्टोस यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Importing preferences and calibrating virtual environment. I have indeed been uploaded, sir. We're online and ready. At your service, sir. तो आप सभी को मैसेज आया ही होगा कि डोंट टच हियर का, या फिर ब्लैक डॉट को टच मत कीजिए क्योंकि आपका फोन हैंग हो जाएगा, और आपको टच करते ही वो आपका फोन हैंग हो जाता है या फिर आपको व्हाट्सएप क्रैश हो जाता है। ये होता है इसलिए कि अगर कोई भी कैरेक्टर अपना लिमिट से ज्यादा होता है, जैसे कि व्हाट्सएप में एक लिमिट दिया रहता है कैरेक्टर का कि इस लिमिट के आगे गए तो व्हाट्सएप क्रैश होना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, अगर वो लिमिट एक्सीड करता है तो आपका व्हाट्सएप क्रैश हो जाता है, या फिर कई सारे स्पेशल कैरेक्टर यूज कर पाए जिसे व्हाट्सएप नहीं प्रोसेस कर पाता है, तो इसलिए आपका व्हाट्सएप क्रैश हो जाता है। या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, यहाँ पे अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लिमिट को एक्सीड करता है या फिर अपने चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता है तो यहाँ पे वो चीज़ क्रैश हो जाती है। अगर हम केस वन में देखें तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट था उसे मैं खुद को ईमेल किया, और उसमें अगर मैं डिटेल्स में गया तो यहाँ पे मुझे कई सारे कैरेक्टर्स दिखे, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाला है उसका, तो आपको मैं वीडियो दोस्तों, यहाँ पे दिखा जब भी मैं शो ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने खुद को मेल किया हुआ है, तो आप जैसे कि इसमें आप टेक्स्ट देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कोई भी कैरेक्टर उसमें जिसका मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट हो सकते हैं जिसकी लिमिट्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। केसों में हो क्या रहा है कि यहाँ पे काफी सारा स्पेस है, उसके बाद टेक्स्ट लिखा है जो कि मिरर इमेजेस में है, टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है डोंट टच हियर का, यहाँ पे ज्यादा स्पेस डालने की वजह से भी व्हाट्सएप का जो कैरेक्टर है एक्सीड कर जाता है और उससे व्हाट्सएप प्रोसेस नहीं कर पाता है। यहाँ पे स्पेस का कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होता है, अगर वैल्यूज नहीं होता तो व्हाट्सएप को पता नहीं चलता कि वहाँ पे स्पेस है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं केस टू को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो ट्यूटोरियल के हेल्प से, तो मैं आपको मिलता हूँ वीडियो ट्यूटोरियल के दोस्तों, बाद। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, अगर मैं ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं एक वर्ड के ब्लैंक फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो ये 2 पेज का टेक्स्ट होगा, इतना छोटा सा जो टेक्स्ट है इसमें काफ़ी सारे स्पेस इंक्लूड है और हिडन टेक्स्ट भी है। जैसा कि अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे स्पेस हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका वर्ड काउंट बताऊँ तो यहाँ पे पहले मैं टूल्स में जाता हूँ और रिव्यू में जाता हूँ, यहाँ पे वर्ड काउंट देखो कितना ज़्यादा है, 1000 के अबाउट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया मिल गया है केस वन और केस टू के बारे में। यहाँ पे व्हाट्सएप में ये पहले भी बग आ चुका है जो कि पहले आया था, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर डालते थे उसकी वजह से व्हाट्सएप क्रैश हो जाता था, फिर 2017 में आया था कि बहुत सारे इमोजीज डालने से व्हाट्सएप क्रैश हो जाता था, यहाँ पे 2018 में भी एक और बग निकल के आया व्हाट्सएप का। आई होप इसे व्हाट्सएप जल्दी जल्दी फिक्स कर देगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें ताकि उन्हें भी टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और आपके उन्हें कुछ सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन को ना भूलें ताकि हर वीडियो।